नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों मैं छोटी सी बात बताता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। मेरा एक दोस्त था जो मतलब गुंडा तो नहीं कहूंगा लेकिन दबंग था। बस उसका काम यू ही लड़ाई कर लेना, किसी से झगड़ा कर लेना। बल था शरीर में, छोटी उम्र थी, बल था तो किसी से भी बढ़ जाता था, लड़ लेता था। तो क्या है, उसके घर वालों ने उसको पूछ करके घर से फेंक दिया बाहर, भाग यहां से। तो अब यार घर वाले रोटी पानी देते हैं, दूध वूध पिलाते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन घर वाले निकाल दे तो अब जाएगा। तो अब वो काफी परेशान हो गया, मुझसे बोला कि कमल एक परेशानी हो गई है, घर वालों ने निकाल दिया, अब क्या करें। मैंने कहा दुकान कर ले। बोले दुकान कैसी कर ले, मैं दुकान में क्या करूंगा दुकान करके। मैंने कहा दुकान कर तो बढ़िया रहेगा। तो उसने दुकान कर ली, लेकिन उसने कहा कि दुकान कर तो लूंगा लेकिन चलेगी कि नहीं चलेगी। मैंने कहा ये भगवान के भरोसे छोड़ दो, तो जो मैं बताऊं वो करता जा, राम भरोसे रहे, हरि के भरोसे आपको गाड़ी चलता जा। उसने दुकान कर ली। दुकान करने के बाद में मैंने उसको एक तरीका बताया, उसने वो तरीका इस्तेमाल किया। 10 साल पहले की बात है, और इन 10 सालों में उसने वो तरीका इस्तेमाल किया और उसकी दुकान जो है वो टॉप नंबर, एक नंबर पर चलने लगी। पूरे क्षेत्र में उसका नाम है, एक नंबर पर दुकान है, और अब वो आदमी व्यापारी बन गया अच्छे तरह से। अब वो आदमी अच्छे तरह से सबसे बात करता है, गजब की बात करता है, और जब भी दुकान पर चढ़ जाता है वो खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ तो लेके आना पड़ता है, और दोबारा ग्राहक रिटर्न होता है। तो ऐसा क्या है, उसने क्या किया, वो क्या करता है, जो मैंने बताया उसको वो मैं आज आपको बताता हूँ। क्योंकि दुकान किसी की भी हो अगर नहीं चले तो बड़ी तकलीफ होती है। आप भी अगर दुकान करते हैं, व्यापारी हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, छोटी सी विद्या बताता हूँ, छोटा सा उपाय बताता हूँ, वो कीजिए। वो करने के बाद में आपको 100% मुनाफा होगा, लाभ होगा। बात यह है कि आप जब दुकान खोलो, दुकान के अंदर जाओ, साफ सफाई कर ली, हाथ वाथ धो लिए, अब आपको क्या है, एक मंत्र को 3 बार पढ़ना है। मानसिक जाप करो या मुंह में जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा जोर से बोल के जाप नहीं करना है, किसी को सुनाना नहीं है। 3 बार आप उसको पढ़ लो, 3 बार पढ़ के 3 ही बार कुर्सी पर, गद्दी पर, या जहां कहीं भी आप दुकान में बैठते हो उस स्थान पर आप 3 बार फूंक मार दो। 3 बार फूंक मारने के बाद में आप आराम से बैठो, लेकिन एक शर्त है, अब उस मंत्र को पढ़ करके आपने फूंक मारी, अब आपके दुकान में ग्राहक आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन 2 बातें इसमें खास ख्याल रखने की, नहीं वो मंत्र काम नहीं आएगा। पहली बात ये खास ख्याल रखने की है कि यदि आप दुकान में वो मंत्र पढ़ करके गद्दी पर बैठते हो, तो गद्दी पर मंत्र पढ़ करके बैठते हो ना, तो पहली बात तो ये है, क्या पहली बात है कि आप 36 मिनट तक उस गद्दी से उठ नहीं सकते। आपको पानी, पेशाब, जो कुछ भी करना है, किसी से बात करनी, कुछ सब पहले कर लीजिए, चाहे आप कभी भी बैठो, कितनी बजे भी बैठो, लेकिन 36 मिनट तक आप गद्दी से उठ नहीं सकते। 36 मिनट तक तो आपको गद्दी पर बैठना पड़ेगा। इस तरह से गद्दी की सिद्धि होती है, ध्यान रखना, गद्दी की सिद्धि होती है तभी ग्राहक आकर्षित होता है, तभी ग्राहक वशीकरण होता है, और ये करने के लिए यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि जिस गद्दी पर आप बैठे हो उस पर कभी भी सोओगे नहीं, ध्यान रखना। अक्सर लोग क्या करते हैं, दुकान में जाके पसड़ जाते हैं लंबा, लेकिन आप दुकान में जाके पसरोगे नहीं, चाहे अपनी नींद आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, आंखें धो लो, चाय पी लो, कुछ भी पी लो, लेकिन सोओगे नहीं दुकान में। सोना तो आपको घर जाके ही है, दुकान में जिस गद्दी पर आप हो उस गद्दी पर सोना मना है, तभी ये मंत्र काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस मंत्र की एक खास बात है, इस मंत्र को किसी भी पर्व काल में 108 बार धूप दीप के साथ भगवान के सामने, रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से, किसी की कोई भी माला हो आपके पास, उस माला से 108 बार भगवान के सामने पढ़कर संकल्प पूर्वक इस मंत्र को सिद्ध कर लें, तब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर कोई पर्व काल नहीं मिले तो किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन यदि आपको वृद्धि नामक योग मिले तो एक वही काम करना, 108 बार भगवान के सामने पढ़ करके सिद्ध कर लेना। सिद्ध करने के बाद में ये मंत्र आपका चले। अब क्या है, सिद्ध करने के बाद में अब 3 बार इस मंत्र को फूंक करके, मैंने कहा जैसा मैंने बताया 3 बार फूंक, मंत्र पढ़ो, 3 बार गद्दी पर फूंक मार दो, फिर आप बैठ जाओ, बस आपका काम धंधा चले लग जाएगा। लेकिन मंत्र तो मैंने बताया नहीं, वो नोट कीजिए, आप फटाफट नोट कीजिए, ओम नमो आदेश, गुरु को आदेश, आसन पूजू सिंहासन पूजू, पूजू गुरु के पांव, 5 भूत आज्ञा दे दो तो लागू गुरु के पांव, मन मारे मिट्टी करूं, मन मारे
मिट्टी करूं, मन मारे मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर। पांच भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर, पांच भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। बस ये मंत्र है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में से बेल आइकन का बटन है वो दबा दो ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा।